5 बज चुके हैं और वक्त हो गया दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। और अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना कर चुकी AIMIM के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी के एक बयान पर फिर से हंगामा मच गया। उन्होंने कहा कि फैसला कुछ भी हो, वहां कयामत तक बाबरी मस्जिद ही रहेगी। मस्जिद की मस्जिद है, मस्जिद ही रहेगी। इसलिए आज हम दंगल में बड़ा सीधा सवाल पूछेंगे कि मुसलमान अगर शांत हैं तो ओवैसी क्यों परेशान है। इस मसले पर बहस की शुरुआत करें। आपको बताएं हमारे साथ कौन कौन से मेहमान आज दंगल का हिस्सा बन रहे हैं। उसके पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं और यह भी बता देते हैं कि अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पहली पुनर्विचार याचिका दाखिल हो चुकी है। तो पहले एक रिपोर्ट, उसके बाद बताएंगे कौन कौन से मेहमान आज दंगल का हिस्सा है। आज ही अगर सुप्रीम कोर्ट को जा रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट ही को जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ही को जा रहे हैं, कोई दूसरे कोर्ट को नहीं। कानून में एक गुंजाइश है, उस गुंजाइश को भी हम आजमा रहे हैं, उस गुंजाइश का भी इस्तेमाल हम कर रहे हैं, इस वास्ते के हमको यकीन है, कोई इसको गलत ना समझे। उसके बाद जो भी होगा फैसला, चाहे हमारे हक में आए हमारे हक में मरे, हमको वो फैसला भी कबूल है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि कयामत तक बाबरी मस्जिद जहां थी वहीं रहेगी, चाहे वहां पे कुछ भी बन जाए, वो मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद ही रहेगी। फैसला कुछ भी आ जाए, कयामत तक वहीं रहेगी बाबरी मस्जिद, ये कह रहे हैं अकबरुद्दीन ओवैसी। सुप्रीम कोर्ट ही को जा रहे हैं, कोई दूसरे कोर्ट को नहीं। कानून में एक गुंजाइश है, उस गुंजाइश को भी हम AIMIM के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने यह बयान अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिका के मद्देनजर दिया है। कोई इसको गलत ना समझे। उसके बाद जो भी होगा फैसला, सवाल ये कि क्या ये अयोध्या मसले को बस जिंदा रखने की सोच नहीं, सवाल ये कि क्या ये अयोध्या पर मुसलमानों को भड़काने की सोच नहीं। अगर मैं बाबरी मस्जिद के फैसले पर अगर यहाँ खड़े रह के तबसेरा करूं तो शायद कल टीवी चैनल्स बोलेंगे देशद्रोही, जेल में डाल दो, पुरमन फिजा को कर रहा है, अंदर डाल दो, ये डाल दो। मगर आप बताओ, सुप्रीम कोर्ट को धोखा देने वाले धोखेबाजों को पद्म विभूषण कुछ अडवाणी को दिया गया, नहीं उससे बढ़ के दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट को हलफनामा दिया, धोखा दिया, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल को धोखा दिया, सब कुछ दिया। कौन? कल्याण सिंह। क्या मिला? सिर्फ एक दिन कोर्ट में बैठे रहे, राजस्थान के गवर्नर रहे। अडवाणी को क्या मिला? डिप्टी प्राइम मिनिस्टरशिप। उमा भारती को क्या मिला? गंगा को साफ करने की मिनिस्ट्री। आप और करो तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरे पास ताकत नहीं है, इस वास्ते मेरे नसीब में जेल है, उनके पास ताकत है, इसलिए बड़े बड़े कुर्सियां हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी क्या ये कहना चाहते हैं कि अयोध्या पर फैसला किसी की कुर्सी के प्रभाव में आया है? यहाँ ये नहीं भूलना चाहिए कि अयोध्या पर फैसले के बाद आम हिंदू और मुसलमानों ने बेहद जिम्मेदाराना रवैया अपनाया है। लेकिन कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का इरादा सबसे पहले रखने वाले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा था कि शरीयत हमें फैसला मंजूर करने की इजाजत नहीं देता। वैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अभी अपनी पुनर्विचार याचिका लेकर सामने नहीं आया है, लेकिन जमीयत उलेमाए हिंद ने 2 दिसंबर को पहल कर दी है। ख्वास्त है, अपील है, हमने उनसे ये कहा है कि आपका फैसला समझ में नहीं, ये हमने ही नहीं कहा है, बड़े बड़े कानूनदान लोगों ने कहा है कि फैसला समझ से ऊपर है। हमने कहा कि समझ में नहीं आ रहा है, आप इसके ऊपर दोबारा ध्यान कर लें, फैसला कर लें।
एक ओर अयोध्या फैसला फिर कोर्ट में आ चुका है और दूसरी ओर अयोध्या के मुख्य पक्षकार रहे सुन्नी वक्फ बोर्ड समेत कई मुस्लिम संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पूरी तरह स्वीकार भी किया है। ये बात कहना कि 99% मुसलमान जो है वो रिव्यू चाहते हैं, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल इससे सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मुसलमानों का मुत्तफ़िका एक फैसला था और उसमें शायद ये लोग भी शामिल थे जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ये आया था मामला, कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो सबको मान्य होगा। अयोध्या पर पुनर्विचार याचिका स्वीकार करना है या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना है, लेकिन लग रहा है कि कोर्ट का रुख कुछ भी हो, अयोध्या की राजनीति अभी खत्म नहीं होने वाली। ये राम जन्मभूमि विवाद ये कोई हमारे आने के बाद पैदा हुआ क्या? इतना बड़ा मसला राम जन्मभूमि का आज शांति से निपट गया कि नहीं निपट गया? सब कुछ शांति से हुआ कि नहीं हुआ? सभी समाजों ने उसका स्वागत किया कि नहीं किया? भाईचारा मजबूत हुआ कि नहीं हुआ? अरे यही तो राम जी की ताकत है। आज तक ब्यूरो। तो बता दें आपको कि दंगल में आज हमारे साथ हैं संबित पात्रा, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए नेता और प्रवक्ता। हमारे साथ हैं मौलाना अंसार रजा, चेयरमैन है गरीब नवाज फाउंडेशन के, ताली बजाकर इनका भी स्वागत कर दीजिए। हमारे साथ हैं शोएब जमई जो कि पढ़ाते हैं जामिया मिलिया में बायोकेमिस्ट्री। हमारे साथ हैं विष्णु जैन जो कि हिंदू महासभा के वकील हैं और राम मंदिर मामले में पैरवी भी करते रहे। और हमारे साथ हैं असगर खान जो कि वकील हैं जाने माने और इसी मामले से जुड़े कई बहसों में आप उनको टीवी पर पहले भी देख चुके हैं। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले मेरा सवाल शोएब जमई आपसे है, ये शांति अच्छी नहीं लगती क्या छोटे ओवैसी को? नहीं बिल्कुल, हमारा मुल्क जो है वो 9 नवंबर के दिन भी काफ़ी शांत था, उसके बाद भी मुसलमान तो हमेशा शांत रहा। 2010 में भी हम शांत थे, इस बार भी शांत रहे। मुसलमानों ने तो हमेशा बड़ा दिल दिखाया है, चाहे फैसला कितना भी उनके खिलाफ क्यों ना आया हो, हमने कभी भी कानून नहीं तोड़ा। लेकिन आप जुबान किसी की कतर तो नहीं सकते ना, इसका मतलब तो ये नहीं कि मुसलमान बिल्कुल अपनी बात भी ना कह सके। और अगर सवाल ये है आस्था के बुनियाद पर आपने ये माना कि वो रामलला के जन्म स्थान है, आपकी आस्था का हम सम्मान करते हैं, तो हमारी आस्था के भी सम्मान कीजिए कि हम अगर उसको मस्जिद मानते हैं जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको मस्जिद माना है और कयामत तक वो मस्जिद रहेगी तो इसमें बुराई क्या है? कोर्ट ने आपसे पूछा था आस्था का सम्मान करते हैं, आपने बताया था कि आपकी आस्था बाबर में है, हमारी आस्था का सम्मान कर लीजिए, इसमें बुराई क्या है? आपकी आस्था बाबर में है? आपकी आस्था बाबर में? बाबर के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद एडमिट कर लिया कि भाई उसने मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई थी। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये तो आपकी आस्था बाबर में है? बाबर को क्लीन चिट देने वाली वो सुप्रीम कोर्ट की वो जजमेंट है, इसको जरा पढ़ के देख लीजिए, इसमें आपको पता चल जाएगा कि बाबर को कौन क्लीन चिट दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट दे रही है। जो नैरेटिव था ना इतने दिनों से कि बाबर ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई थी, अक्रांता था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। नहीं नहीं, अगर इनको लगता है क्लीन चिट है तो इनको मान लेने देने, खारिज कर दिया, क्यों? बात खत्म हो जानी चाहिए ना। यानी जब आप बाबर का नाम लेके मुसलमानों पे घंटी बांध रहे थे, उसका जो है वो आपने ये हजारों पन्ने के फैसले में ये ढूंढ लिया कि बाबर को क्लीन चिट है, लेकिन आप ये नहीं पढ़ पाए कि अदालत ने ये कहा कि जहां मस्जिद थी उसके नीचे मंदिर बना हुआ था, उसके ऊपर मस्जिद खड़ी हुई, वो किसने खड़ी कर दी? अब वो बहस पीछे रह गई है। अब सवाल ये आ गया है जहां से आपने बात शुरू की कि सबने प्यार से उस चीज को मान लिया, क्योंकि सब पहले दिन से ये कहते आए थे कि जो भी अदालत कहेगी वो सबको कबूल होगा। ये तो मौलाना अंसार रजा, ये छोटे ओवैसी साहब को कबूल क्यों नहीं? अब मैं क्या तलवार लेकर चला जाऊंगा भाई, कबूल कर ले यार। यार हिंदुस्तान आजाद मुल्क है, बहुत सारे लोगों को कबूल है, बहुत सारे लोगों को नहीं कबूल है, तो आप क्या कीजिएगा उसके लिए? कि नहीं मार मार के कबूल करवाने कहा कि तरह कहीं तुझे कबूल करना ही पड़ेगा। हम एक बात कहना चाहते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी हुक्म आया, जो भी फैसला आया, हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने 130 करोड़ लोगों ने खुशी खुशी कबूल किया, और जो लोग शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं इस मामले में वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और दूसरा कुछ नहीं। नंबर एक,
हो क्या रहा है? तो आप ये कह रहे हैं कि छोटे ओवैसी शांति भंग करने की कोशिश? मुझे नहीं पता कि छोटे ओवैसी कर रहे हैं, बड़े ओवैसी कर रहे हैं, कि आडवाणी जी कर रहे हैं, कि मोदी जी कर रहे हैं। हम उधर जाना ही नहीं चाह रहे हैं। नहीं, आप हम तो सिर्फ एक बात ये कहना, आपने नाम देखिए आपकी ये जनता, बता दीजिए कि इनमें से कौन कौन आपको लगता है कि शांति भंग करने की कोशिश? कौन नहीं कर रहा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बीजेपी परेशान, ये कि इतना बड़ा मुद्दा हमारे हाथ से निकल गया, हमें कुछ मिले ही नहीं। हो सकता वो बैकग्राउंड से करवा रहे हो, ये भी तो हो सकता है ना भाई। हो सकता वाली बात हो रही है ना। दफ्तर बुला के बताया कि हम परेशान हैं। नहीं, क्यों अकबर की बात तो आप ले आए, बीजेपी की बात नहीं लाया? पूछ रहा हूं। देखिए यही होता है ना कि जब आप बहस करने लगते हैं तो थोड़ी देर के लिए तो हंसी मजाक हो सकता है। आपने तो ये कहा कि हो सकता है कि मजाक तो आपने किया कि निकाह की तरह कबूल करवाऊं क्या जाके कि शांति से? सही तो कह रहा हूं मैं, गलत थोड़ी मजाक तो आपने शुरू किया। हमने कह दिया ना कि हमने कबूल कर लिया ना फैसला, लेकिन वो भी तो आप में से एक है। उनको नहीं मानते क्या अपने में से? सुनिए, उनको अपने में से एक नहीं मानते? सुनिए, वो मुसलमानों के नेता नहीं है? हमने, हम तो मोदी जी को भी मानते हैं, उससे क्या कीजिएगा आप। हम तो मोदी जी को भी मानते हैं, इसी को वो देश के प्रधानमंत्री, और हमारा फर्ज बनता है कि अपने देश के प्रधानमंत्री की इज्जत करें। ये हमारा फर्ज बनता है, हम इज्जत करते हैं उनकी। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मुल्क में शांति है। इतना बड़ा मुद्दा जो 50 साल से चल रहा था, जिसमें हम दो भाइयों में, हिंदू मुसलमानों में अक्सर बहस हुई, डॉक्टर समित पात्रा से हजारों बार बहस हमारी इस बात पे हुई है, लेकिन जिस दिन फैसला आया, हिंदुस्तान का कोई आदमी नहीं कह सकता कि कहीं हल्का से फुलझड़ी भी फूटी हो, शांति से निपट गया ना। अब आपने कहा हो सकता है कि छोटे वैसी बर्दाश्त ना कर पा रहे हो। अब सुनवाया मैंने तो आप सर, सुन लीजिए, सुन लीजिए, मन से थोड़ी ना बना, सुन लीजिए ना, हम उधर नहीं जा रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी हो सकता है, ये तकरीरें कर रहे हैं, हो सकता है घर बैठ के व्हाट्सएप पे मोबाइल पे बना के नहीं डाल रहे, उनको पुश कर रहे हो कि भाई तुम बोलो ताकि कुछ हो जाए, ताकि हमें सेरे मिल जाए, ये भी तो हो सकता है। हो सकता है, तो बहुत सारी चीजें आ जाती है। अच्छा, अब रहा सवाल रिव्यू पिटीशन का, जैसा भी एक साहब की आपने बाइट चलाई है, हम लोग बरेलवी मसलक वाले हैं, और हमने, हमारे मरकज ने बाकायदा तौर पे कह दिया है कि अब हमें ना तो रिव्यू पिटीशन में जाने की जरूरत है, जो चीज फैसला हो गई वो हो गई, अब हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, होना क्या है, आप जाएं, एक मिनट, आप जाएंगे वापस आ जाएंगे, फैसला नहीं बदलेगा, इतना हम जानते हैं। हाँ, जो कुछ कमियां रह गई हैं वो दूर हो जाएंगी। मुझे ये कहते हुए भी कि हम देश के कानून का सम्मान करते हैं, आप उसको ठेंगा भी दिखा रहे हैं कि हमें पता तुम हमारी सुनने वाले नहीं हो, इसलिए मजबूरन ठेंगा दिखाने वाली बात क्या है? एहसान भी जताना चाहते हैं। कोर्ट में जाना ठेंगा दिखाना हुआ? एहसान भी कोर्ट में जाना ठेंगा दिखाना हुआ? भाषा देखिए ना जो आपने इस्तेमाल किया। क्या कहा आपने? कहा हमें पता है फैसला बदलने वाला नहीं है, नहीं जाएंगे। यार पूरी दुनिया जानती है, हमें, हमारे अकेले जानने से क्या होता है? हमारे अकेले जानने से क्या, पूरी दुनिया जानती है। आपके पास आ रहा हूं, पूरी दुनिया जानती है। आरोप यह है कि आप बुलवा रहे हो वैसी से। देखिए, बोलिए, देखिए देखिए रोहित जी, ठीक है नहीं, ये पूरी दुनिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले भी जानती थी, तब आप नहीं जानते थे सर। हम भी उस वक्त वो बात भी कही है मैंने, जब जमाई बोल रहे हैं उसके बाद। रोहित जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान है माननीय उच्च न्यायालय का, सर्वोत्तम न्यायालय का, लेकिन देखिए जब एक सेकुलर मुल्क की सेकुलर सुप्रीम कोर्ट बहुसंख्यकवाद के आस्था को ध्यान में रख करके कोई फैसले सुनाती है, तो मुझे लगता है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसकी मोराल डाउन हो जाता है, उसको लगता है कि जब न्याय के इतने बड़े मंदिर में भी जो है न्याय नहीं मिल पाएगा, तो फिर वो उनका मोराल जो है लेवल डाउन है। ये फैसले चार पॉइंट्स ऐसे थे जो मुसलमानों के फेवर में थे, उसके बावजूद भी 142 का इस्तेमाल करके आपने एक बिलीफ को सामने रखा। कितने दिन से आपके पास है ये फैसले की कॉपी? कितने दिन से? जिस दिन से फैसला आया उस दिन से है, मैं पढ़ भी रहा हूं। आपके पास है 10 नवंबर से मान लूं? बिल्कुल। आज क्या तारीख हो गई? 2 दिसंबर हो गई जी। क्यों नहीं चले गए आप कोर्ट? आपने क्यों नहीं जाके चैलेंज किया इस फैसले को? कर रहा हूं। आपने कहा कि मैं शोएब जमाई, मैं खड़ा हूं 6 दिसंबर को शोएब जमाई रिव्यू पिटीशन में जा रहा है, ऐलान कर रहा हूं। 6 दिसंबर के लिए मुहूर्त भी निकलवाया आपने पहले? निकलवा दिया ना। ओके, बिल्कुल। संबित पात्रा, अब बोलिए, ये कह रहे हैं कि ओवैसी के बयान आप लोग दिलवा? नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा। तू फंसा रहे हो आप मौलाना साहब, आप सोचते हैं कि आप ये खड़े ओवैसी के बयान ये दिलवा रहे हैं? समझ में नहीं आएगा। नहीं, ये कैसे आपने कह दिया कि ओवैसी के बयान हम दिलवा रहे हैं? मैं तो आपके सामने कह रहा हूं, पीछे से नहीं कह रहा। क्या मैंने ऐसा कहा? क्या पूछ लीजिए लोगों से, पूछ लीजिए सर, पूछ लीजिए। क्या मैंने कहा? क्या लीजिए बताइए। मैंने नाम भी लिया, नाम लिया मैंने। अभी शांत हो जाइए। ये लोग कह रहे हैं हां कहा, अब बोलिए संबित पात्रा। नहीं, आप दोनों को तो हमने नहीं बुलवाया है ना, ये तो कंफर्म्ड है। अच्छा जी, आप कम से कम ये तो मान गए कि इन दोनों को हमने अपने कार्यालय में बुलवा के नहीं बोला था कि आज ये सब बोलना है करके। देखिए, जहां तक ओवैसी बंधुओं का सवाल है, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह है। ये दोनों, ये जो बड़े मियाँ और छोटे मियाँ है, ये नियो जिन्ना है। किस प्रकार हिंदू मुसलमान करना, भारत को बंटवारे के रस्ते में पुनः ढकेलना, ये इनका काम है। ट्रिपल तलाक का जजमेंट आता है तो यही बड़े मियाँ कहते हैं कि ट्रिपल तलाक पे सुप्रीम कोर्ट कैसे फैसला करेगी, मुसलमान कैसे निकाह करेगा, मुसलमान कैसे तलाक देगा, इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या है, ये उनका डायलॉग था। अब राम मंदिर का पूरा जजमेंट आया है, 161 साल पुराना केस था, जजमेंट आया है, तो सबसे ज़्यादा परेशान कोई है तो ये ओवैसी ब्रदर्स ही परेशान है।
देखिए एक हिंदी फिल्म डायलॉग होता है ना, तारीख पे तारीख, उसका अगर सबसे बड़ा उदाहरण कोई तारीख पे तारीख का था तो वो राम मंदिर का केस था। सदियों से, केवल कुछ वर्षों का नहीं, 191 साल हमारे देश के आजाद होने से पहले और 70 साल देश के आजाद होने के बाद, हम यहाँ 5 लोग 6 लोग इकट्ठे हो गए हैं, आप भी हैं, 7वें लोग यहाँ, जनता बैठी है। हमको लगता होगा, इनको लगता होगा कि हम बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं। हमसे बड़े विद्वान अगर कोई हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं। 161 साल पूरे इस केस की सुनवाई करने के बाद 5 जजों के खंडपीठ ने, याद रखिए मैं अंडरलाइन करके कहता हूं, जो जजेस ने कहा, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ फेथ बट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, आस्था के आधार पर नहीं किंतु विश्वास के आधार पर नहीं, साक्ष्य के आधार पर। क्या साक्ष्य? खुदाई। मैं जनता को बोलता हूं, खुदाई पे क्या निकला? खुदाई पे नीचे में मकर प्रणाली, जिस प्रकार की स्ट्रक्चर नीचे थी, आपने मंदिरों में देखा होगा मकर प्रणाली, मगरमच्छ का मुंह होता है जिससे भगवान के स्नान का पानी बाहर निकलता है। कोर्ट में पूछा गया, कौन से मस्जिद में मकर प्रणाली होता है? उत्तर, ये इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ते उत्तर नहीं दे पाए वहां जाके। राजीव धवन को आज धक्का मार के बाहर निकाला है। अब मैं तो बोल रहा हूँ, इन्हीं को जज बनाओ, इनको क्या वकील बनाओ, अगर इतना बढ़िया ये जानते हैं। मकर प्रणाली निकली, वहां पे गरुड़ की मूर्ति निकली, वहां पे सारी मूर्तियां निकली, वहां पे पिलर्स पे जो इस प्रकार के नक्काशी निकले कि कोर्ट को तो मामला आगे बढ़ गया ना सर, अदालत ने फैसला कर दिया। सवाल ये है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी के भाई किसी रैली में अपने भाषण में मुसलमानों को एड्रेस करते हैं तो ये माना जाता है कि ये भड़काऊ बयान दे रहे हैं, लेकिन झारखंड में चुनाव की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह जाके राम मंदिर के लिए तालियां बटोरने का काम करते हैं तो वो क्या होता है? क्यों नहीं, उसने बुरा किया है? अगर बिल्कुल अच्छे तरीके से किसी, मैं उत्तर देता हूं, सुन लीजिए, अगर आपको पसंद नहीं आएगा दोबारा पूछ लीजिएगा। प्रधानमंत्री ने क्या कहा? प्रधानमंत्री ने कहा, इतने वर्षों पुराना केस जो चले आ रहा था, जिसको लटकाने अटकाने भटकाने की कोशिश हो रही थी, क्या यह हकीकत नहीं है? सोनिया गांधी जी ने एफिडेविट नहीं दिया था कोर्ट में कि राम डज नॉट एग्जिस्ट, राम का कोई अस्तित्व नहीं है, क्या यह हकीकत नहीं है? कपिल सिब्बल ने जाके सुप्रीम कोर्ट में कहा, असदुद्दीन ओवैसी ने खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 2019 के लोकसभा के चुनाव के बाद इसकी सुनवाई होनी चाहिए, और अगर कोर्ट सुनवाई कर लेगा तो काला कोर्ट फेंक के आए थे। ये राजीव धवन जिनको आज लात मार के बाहर निकाला गया है, काला कोर्ट फेंक के आए थे। राजीव धवन को बाहर निकाला गया, ऐसा कुछ नहीं है। मामले पे ये आपको मैं जानकारी दे देता हूं, खमा खामे राजीव धवन को बाहर निकाल दिया। राजीव धवन का मेरे पास पूरा वो चिट्ठी भी है, चिट्ठी क्या लिख रहे हैं राजीव धवन? गलत, राजीव धवन जैसे हर चीज को गलत रूप देते चले आए मस्जिद के, हमेशा जैसे हर चीज को गलत रूप देते, इसको भी गलत रूप बजाय इसके, मेरा सवाल जो है आज का वो ये नहीं है किसने दाखिल किया, पुनर्विचार याचिका क्यों दाखिल की गई, आपको क्या राजीव धवन को बाहर किया गया या नहीं किया गया? मेरा सवाल यह है सर, ये शांति अगर बनी हुई है तो वो किसको रास नहीं आ रही? वो आपको रास नहीं आ रही या ओवैसी को रास? देख ही रहे हैं, शांति ओवैसी को कभी रास नहीं आती है। 15 मिनट पुलिस हटा दो फिर देखो हिंदुओं का क्या होता है, कितना शांत बयान। इसलिए मोदी जी फिल्मी डायलॉग दे रहे थे। बायोकेमिस्ट्री वाले मौलाना साहब, आपको क्या परेशानी हो रही है? आप बताइए इनको क्या परेशानी हो रही है? प्यार हुआ कि नहीं हुआ? आपको क्या तरह का जो डायलॉग है सर, मैं कब तक एजेंडा चलाते रहेंगे? आप राम मंदिर के बुनियाद पर सत्ता पे आए हैं, क्यों हो रहे हैं अब राम मंदिर का? मोदी जी ने जब ये पूरा विषय सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट से पहले भी उन्होंने ट्वीट किया कि जजमेंट चाहे कुछ भी हो, हम सबको शांति बनाए रखनी चाहिए। जिस दिन जजमेंट भी आया उस दिन मोदी जी ने देश को अपील किया कि हिंदू हो या मुसलमान, कोई सेलिब्रेट ना करे, कोई दुखी ना हो, थोड़ा खेला हिंदुस्तान तो क्या करते? मगर तीन बातें इन्होंने जो कही, मुझे अगर जरा उलट आता तो क्या करते? नहीं आएगा ना, बैठे हैं आपके बगल में, इन्होंने पूछा था, आप रोहित जी आप ही थे उस डिबेट में, आपको क्या लगता है फैसला में? एक बात जी का मतलब ये, एक सेकंड, नहीं आएगा, इसीलिए खामोशी। आप लोग एक सेकंड, एक आएगा, एविडेंस तो है नहीं आपके पास? अच्छा मनसुख, एक सेकंड, दिखाना चाह रहे हैं कि जब आप बोल रहे थे आपके साथ कोई टोकाटाकी कर रहा था? आप ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं ना?
नहीं कर रहा था ना आपसे कुछ कटाक्ष। मैंने क्या कि दूसरे को सुनना सीखिए। आप उनसे पूछिए ना, जब आप शांत रहिए। आप अगर तमीज पूछ दीजिएगा, समय आप तमीज से करें तो इनको भी सिखाइए ना। प्लीज इनको भी तमीज सिखाइए ना। प्लीज सुन लीजिए, सुन लीजिए प्लीज। आप साबित कर रहे हैं चैनल पे खड़े होकर, आप लगातार समय दे रहे हैं उनको, आपकी वजह से वो समय एक्स्ट्रा ले रहे हैं हर बार। दो लोग अभी भी वेट कर रहे हैं, उनका नंबर नहीं आया। वो तो आप बीच में जितना टोकेंगे समय बर्बाद ना जाएगा। आप में प्लीज पूरा खत्म हो जाने दीजिए बात को ना, बाकी दोनों भी बोल लेंगे उसके बाद। बोलिए प्लीज प्लीज। दे रहा हूँ इंजेक्शन, दे रहा हूँ। रोहित भाई पूरा कीजिए, तीन तीन बातें पर्सनल कमेंट न किए जाए। तीन बातें यहाँ पे स्पष्ट होना चाहिए। इन्होंने जो तीन बातें कही, नंबर एक, इन्होंने कहा मुसलमान हमेशा शांत होता है और शांति मैं बोल रहा हूँ हिंदू मुसलमान दोनों शांत होते हैं, ठीक है। ये नहीं कि मुसलमान केवल शांत होता है, दोनों। दूसरी बात इन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो मस्जिद माना, सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा माना मस्जिद, सुप्रीम कोर्ट ने, अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसे मस्जिद माना ये आपने तो बता दिया ना सर, ये तो नहीं, नहीं तो आप बोल चुके ना। तीसरी बात, आप मुझे ये इनके कागज में दिखाइए कहां बाबर को क्लीन चिट, क्यों आज भी ये बाबर के पैरोकार क्यों बने? वो निकाल के लाए हैं, अभी बताएंगे। बताइए ना बाबर को कहां क्लीन चिट दिया। अजहर खान साहब से एक सवाल ले लूं और विष्णु जैन से एक सवाल ले लूं, आपके मन की सारी शंकाएं, कौन है आपका, आप बाबर के क्या है, बाबर आपका फूफा है, बाबर जीजा है, क्या है बताइए, कौन है बाबर, आप गोड से, आपका नाना है गोड से, आगे गोड से कौन है बताइए, तो गोड से, गोड से एक सेकेंड रुक जाइए ना। अरे असगर खान साहब को सुन लीजिए एक बार, थोड़ा सम्मान कर लीजिए उनका, बहुत देर से आप लोगों की सुन रहे हैं फालतू की बातें। एक सेकेंड असगर खान पढ़ लिख के आइए, क्या अदालत ने बाबर को क्लीन चिट दे दी इस फैसले में, पहला। दूसरा, जो बातें अकबरुद्दीन ओवैसी ने कही हैं, क्या आपको लगता है कि जो मौलाना अंसार रजा इशारा कर रहे थे, हालांकि बाद में पलट भी गए, पलट जाते हैं अक्सर ऐसे ही कि भाई नहीं नहीं मैंने ये नहीं कहा था कि ये बीजेपी वाले करवा रहे हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि कोई तो है जो करा रहा है, जिसको फायदा होगा, जिसको परेशानी हो रही है कि भाई ये इतनी शांति से कैसे हो गया। बोलिए। देखिए, तो पहले मैं ये बताऊं कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें हम सबको अपनी एक सोच बेहतर बनानी चाहिए, बेहतर से बेहतर सोच लेके चलनी चाहिए। हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जो पूरी दुनिया के लिए मिसाल है, हम फूलों की गुलदस्ते की तरह एक जगह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पर होके चलते हैं। ये वो मुल्क है, उस मुल्क के रहने वाले हैं जहाँ हमारे बुजुर्गों ने कहा था कि हिंदुस्तान एक खूबसूरत दुल्हन की मानिंद है, और इस खूबसूरत दुल्हन की दो खूबसूरत आँखें हैं, एक हिंदू है और एक मुसलमान है, इसमें से एक भी जाती रही तो ये दुल्हन बदनुमा हो जाएगी। इन तमाम चीज़ों का हमें लिहाज रखना चाहिए, और ये मुद्दा कोई मजाक का मुद्दा नहीं है, बहुत सीरियस मुद्दा जिस बात हो रही है। मैं आपके चैनल को और आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप ऐसे मुद्दों को लेकर सामने आते हैं जिस पर बहस होती है और लोगों के दिल बनते हैं, मिजाज और सोच बेहतर बनती है। जहाँ तक सवाल इस चीज़ का है कि चूँकि कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए हमने ये कहा कि भाई रिव्यू में जाना चाहिए, इसमें दो तीन चीज़ें हैं खास जिनको मैं चंद लम्हे आपके लेकर बात ख़त्म करूँगा कि एक तो बात यह है कि क्या कानून हमें इस बात की इजाज़त देता है या नहीं। अगर हमें कानून इजाज़त देता है तो भाई किसी को क्या परेशानी है। बार बार मैंने पहले भी मैं इस डिबेट में बैठा और लोगों ने एक एंकर साहब ने कहा कि भाई बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं। यही सवाल मेरा भी है कि भाई अगर कोई रिव्यू डालने जा रहा है तो आपके पेट में दर्द क्यों है। अगर कानून इजाज़त नहीं देता, अगर हम कोई गैर कानूनी बात करें, मैं अभी आप विष्णु एक सेकेंड, अगर कानून इजाजत नहीं देता तो, और अभी भी कानून ने इजाजत दी, हम जा रहे हैं जहां आप एक सवाल करते हैं कि साहब माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें वो ऐसी भी शामिल है जिस बात को हम लेके चलते हैं कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, माहौल बिगाड़ने की बिल्कुल बात नहीं है। ये कोई पहली बार सुप्रीम कोर्ट में यहाँ ऐसा ये केस नहीं हो रहा, इसी केस की बात कर रहा हूँ, अब बाबरी मस्जिद अयोध्या की बात कर रहा हूँ मैं। ये नीचे कोर्ट से होकर आया, हाई कोर्ट आया, हाई कोर्ट में जब फैसला हुआ तो तमाम पूरे हिंदुस्तान में खूब चर्चा रहा, डिबेट्स भी हुई, सब कुछ नहीं हुआ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट में सब लोगों ने मिलकर कहा कि हम फैसले को मानेंगे। मैं बहुत ही माफ़ी के साथ ये बात कहना चाहूँगा कि मुसलमानों ने खूब दिल खोल के कहा कि हम उस फैसले को मानेंगे और आज भी मान रहे हैं। हो सकता है ये कहें कि जी मान रहे हैं तो रिव्यू में क्यों जा रहे हैं। फैसले को मानना, उसका इस्तेमाल करना या उसका एहतराम करना, ये अलग चीज़ है, और फैसले को से समझौता करना, फैसले से संतुष्ट होना, ये एक अलग चीज़ है। फैसले का हम एहतराम करते हैं और फैसले को हम मानते हैं, वो यकीन हमसे, वो यकीन लेकिन उससे संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट होते
तो फिर हम रिव्यू में क्यों जाते हैं? रिव्यू आपका अधिकार है। मैं आपसे ये कभी नहीं कहूंगा कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों हो रहे हैं, या मैं आपसे ये कभी नहीं कहूंगा कि जब आपने अदालत का फैसला आने से पहले कहा था कि सारे मुसलमान सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे तो आप रिव्यू में क्यों जा रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा ये बात आपसे। आपका अधिकार है, आप उस अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक चीज और है कि उसमें अगर मान ली कोई ग्राउंड नहीं है, सबको समझने की बात है, मान ली कोई ग्राउंड हमारे पास नहीं, बात खत्म हो गई, फिर वो फैसला मेरा सवाल इस मसले को लेके है ही नहीं असगर साहब कि आप रिव्यू पिटीशन क्यों दायर कर रहे हैं। मेरा सवाल तो विष्णु जैन बड़ा सीधा सा ये है कि राजनीतिक तौर पर ऐसी नारेबाजी या ऐसी बयानबाजी क्यों कराने की कोशिश की जा रही है जिससे लोग शांत बैठे तो भड़क जाए। अगर कोई नारेबाजी और बयानबाजी अगर कोई भी करता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, वैसी हो या कोई दीगर लोग हो, कोई भी हो, वो बिल्कुल गलत है। हमने आपको दिखा दिया किस किसने करवाई, बिल्कुल हम और कैसे कैसे करवाई, हम नहीं मानते। अगर जैसे रजा साहब ने बात कही थी कि हम कैसे कैसे समझाने जाए उन लोगों को, बिल्कुल मैं तो कहता हूँ उनका सोशल बाइकॉट करना चाहिए जो इस मुल्क का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करे, उनका सोशल बाइकॉट करना चाहिए। और इस बात में हिंदू और मुसलमान दोनों को साथ आना चाहिए। तो सर ये अंसार आपको साथ होना चाहिए, आपको पड़ेगा ना, हम आपके साथ हैं। अगर ये नाना कहते भी उनकी पैरवी करने खड़े हो जाएंगे तो कैसे सोशल बाइकॉट होगा? विष्णु जैन, उनका अधिकार है, ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं। रिव्यू पिटीशन की संभावना है, ये मुझसे बेहतर आपको पता है, फिर आपको बुरा क्यों लगता है रिव्यू पिटीशन फाइल होती है? पहली चीज। और दूसरी चीज, भड़काने की कोशिश कौन कर? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, रिव्यू पिटीशन में कोई जाए इससे हमें कोई एतराज नहीं है, पर जिस तरह से रिव्यू पिटीशन में फंडिंग करके जाया जा रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शोहित जमई भी जी न्यूज पे थे और ये वहां पे खुलासा हुआ था कि ये जो छह, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, जो इसमें छह प्राइवेट पार्टी है उसको ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड फंड कर रही है रिव्यू पिटीशन फाइल करने के लिए, ये अगेंस्ट दी लॉ है। अगर आज कोई मुद्दा ही, आज कोई क्लाइंट, सर एक मिनट, आज कोई क्लाइंट, एक मिनट रुक जाइए, आज कोई क्लाइंट अगर रिव्यू फाइल करना चाहता है तो उसका खुद क्या दिक्कत है? पर फंडिंग हो रही है ना, फंडिंग हो रही है, अगर कुछ भी इलीगल हो रहा है तो यू आर हैविंग ऑल द राइट टू बी कंप्लीट सरकार से फंडिंग हो रही है। एक सेकंड, मैं बात कानून के खिलाफ बात कर रहा हूं, आपकी फंडिंग कहां से हो रही है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड फंडिंग कर रहा है, माना आपको कैसे पता? माना है ओवैसी ने माना है, ओवैसी ने माना है, आप देखिए ना डॉक्यूमेंट खिलाफ कंप्लेंट कीजिए। उन्होंने कहा इन छह लोगों को फंडिंग करते हैं, रिव्यू फाइल करेंगे हम, ये हमारे आदमी है, तो ये गलत है। जो भी गैर कानूनी चीज है, उनका खुद का विचार होता कि हम रिव्यू फाइल करना चाहते हैं, बेशक जाते हैं, सर माथे जाते हैं, पर आज कोई उनको फंड कर रहा है और इसलिए वो इस मामले को खींचना चाहते हैं, ये गलत है। पहली बात, पहली बात, जिम्मेदार दूसरी बात, जिम्मेदार वकील है सर, एक मिनट रुक जाइए, आप कंप्लेंट कीजिए, एक बार बोल तो ले, फिर आप कंप्लेंट कीजिए। लॉ और एविडेंस के आधार पर मैं अकबरुद्दीन ओवैसी को कहना चाहता हूँ, वहां मस्जिद कभी थी नहीं, माँ मस्जिद कभी है नहीं, माँ मस्जिद कभी होगी नहीं, अब मैं देता हूं मंदिर थी, इस मंदिर है और मंदिर रहेगी। अब इसका कारण यह है क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गलत कोट किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सर, इससे बिल्कुल सर आप मुझे बोल रहे हैं, मैंने आपने भी कहा सबसे बड़ी आप इत्तेफाक के साथ आप रिव्यू पिटीशन फाइल कर रहे हैं, ये तो गलत बात कर रहे हैं, इसलिए तो आप रिव्यू फाइल कर रहे हैं ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जैसे ओवैसी के लिए आप अभिव्यक्ति की आजादी मांग रहे हैं कि उसको अपनी बात कहने का अधिकार है, तो इनको भी तो कहने का अधिकार है ना, तो इनको भी कहने दीजिए, फिर आपत्ति क्यों करनी इस पे कि भाई ये ऐसे कैसे कह रहे हैं? थी मस्जिद है रहेगी, वही तो मैं जानता हूं, यही बात दिल है, तो आप क्यों कह रहे हो वैसी जो उसको कैसे समझा दे, मन में तो चले, मन में कुछ नहीं है, सर सामने नहीं अलग है, मन में कुछ है, आपके दिल से आप क्या अधिकार लगा रहे हैं, क्या आप कुछ कर रहे हैं, आप बात तो यही है ना कि आप बात नहीं कुछ है, आप बाबर के नाम से मौलाना साहब, देखिए मौलाना साहब तो अगला चेहरा दिखा रहे हो, एक बात तो यही है, विष्णु जैन पहली बात तो जैन साहब है, मौलाना साहब से कमेंट करिए, मौलाना साहब जैन साहब ऐसे नहीं है, मौलाना साहब, मौलाना साहब, अरे एक सेकंड, मौलाना साहब, मौलाना साहब जितनी बार आप बोलते हैं अपनी खुद की पोल खोलते हैं, सुनिए आप पहले शुरू किए कि नहीं मैं असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ हूँ, अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ हूँ, उसके बाद आप नारा वही लगाने लगे जो अकबरुद्दीन ओवैसी लगा रहा था, मैं नहीं जानता, आप यहाँ दलीलें दे रहे थे कि बरेलवी मरकज ने तो ऐसा फैसला कर दिया जैसे आप ही ने मोहर लगाई बैठ के वहाँ पे, अब मैं बताऊँ थोड़ी देर में आप खुद अकबरुद्दीन ओवैसी, सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लो यार थोड़ा वेट, पहली बात तो जैन साहब आप वकील, आप वकील हैं, मुझे पता है मैं वकील हूँ, हम आपकी इज्जत करते हैं लेकिन लफ्जों को तोल के बोलिए, नहीं नहीं मैं लफ्जों को तोल के ही बोल रहा हूँ, बदतमीजी हम भी बोल सकते हैं लेकिन नहीं बोलेंगे, लफ्जों को तोल के, बदतमीजी नहीं, आप सुनिए मेरी बात, हमारे यहाँ इस्लाम में, सुन लीजिए, मैं अकबरुद्दीन ओवैसी का फॉलोवर नहीं हूँ लेकिन हमारे यहाँ इस्लाम में एक चीज है कि जहाँ एक मरतबा मस्जिद कायम हो गई वो कयामत तक मस्जिद रहेगी, मैं बाबरी की बात नहीं करता, मैं बाबरी, एक मिनट रुको यार, मैं बाबरी की बात नहीं करता, मैं बाबरी की बिल्कुल बात नहीं करता,
मैं मस्जिद की बात सुप्रीम कोर्ट ने बात माना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है तो मस्जिद कैसे हो गई, तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई। नहीं तो आप उसका जवाब खड़ा है नहीं कर सुप्रीम ने कहा है राम से तो इसका जवाब मस्जिद कौन से सेकंड एक सेकंड ये एक सेकंड एक तो विष्णु जी एक सेकंड मौलाना साहब किया जा रहा है एक सेकंड संबित पात्रा एक सेकंड शोएब जमाई और असगर खान आप पांचों लोग एक सेकंड पांचों लोग मेरी बात तो सुन लीजिए। आपका पूरा जोर इस बात पर है कि मस्जिद तोड़कर मंदिर नहीं बनाई गई, ये अदालत ने कहा है। शोएब जमाई इतना बड़ा पूरा अदालत का फैसला लेके खड़े, पढ़ के बता दीजिए कहीं लिखा हो कि बनी मस्जिद के नीचे मंदिर घुसाया गया था क्या? ये लिखा है कहीं इसमें? बता देता हूँ, लेकिन उसमें ये है, सुन लीजिए सर, वो फैसला लेके खड़े सर, वो फैसला लेके खड़े हैं, वो रोक नहीं पा रहे अपने आप को, उनको बोलने तो दीजिए। असगर साहब मैं मानता हूँ आप अदालत में रहे होंगे, लेकिन वो पिछले 25 दिन से पढ़ रहे हैं फैसले को, उन्होंने लाइनों को हाईलाइट करके रखा है, थोड़ा उनको मौका तो दीजिए पढ़ने का। बोलिए प्रोफेसर साहब, टॉन्सिल का ख्याल रखिए, विष्णु साहब टॉन्सिल ख्याल रखने बोल रहे हैं। लीजिए भाई बोलिए बोलिए बोल रहे हैं इनकी विष्णु भाई एक सेकंड कमेंट कर रहे हैं। बोलिए 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 जल्दी पूरा कीजिए बात को ना। पेज नंबर 906 पार्ट पी में लिखा हुआ है कि व्हाइल द एएसआई रिपोर्ट हैज फाउंड द एग्जिस्टेंस ऑफ रुइंस ऑफ अ प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर but does not provide the reason for the destruction of pre-existing structure, whether the earlier structure was demolished or the purpose of the construction of the mosque. सुनिए पेज, सुन लीजिए पेज नंबर 907 में लिखा हुआ है, no evidence is available in a case of antiquity the cause of destruction of the underlying structure, whether the pre-existing structure was demolished for the construction of mosque. पहली बात। अब दूसरा जो आरोप लगता है कि वो मॉस्क नहीं मानती सुप्रीम कोर्ट, मैं कहता नहीं मानती सुप्रीम कोर्ट ने बाप नहीं माना है, और बिना बाप के मस्जिद हो नहीं सकती। सब्र रखिए, इसका जवाब दे दीजिए, सब्र रखिए जरा, मैं दे दूंगा आपको। पेज नंबर 911 मंदिर तो बनेगा, पेज नंबर 911 पार्ट पी एनालिसिस में है, देयर कैन बी, सुप्रीम कोर्ट के अक्षर है, देयर कैन बी नो डिनाइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मॉस्क सिंस इट्स इन कंस्ट्रक्शन इन द 16th सेंचुरी विद द इंसेप्शन ऑफ अल्लाह अल्लाह ऑन दिस स्ट्रक्चर। चलिए आप पढ़ लीजिए, पढ़िए, पढ़ दिया आपने, पढ़ दिया आप, संबित पात्रा बोलिए अपनी बात बताइए साहब, बोलिए दोनों। देखिए कुल मिला के आज दो तीन चीजें यहाँ मालूम पड़ रहा है। एक तो मालूम पड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बहुत लाइक करते हैं, उसको पूरा पढ़ा भी है, उसका एहतराम भी करते हैं, और कोर्ट भी किया कि सुप्रीम कोर्ट ने सब मान लिया, लेकिन संतुष्ट नहीं है ये भी कहा। तो ये इतना पढ़ के संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट नहीं है, इतना पढ़ क्यों रहे थे फिर? अगर इतना जोर और चिल्ला चिल्ला के सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने वो कहा है, फिर संतुष्ट भी नहीं? रिव्यू में जाने की जरूरत मतलब संविधान में अगर एक अधिकार दिया तो उसका भी मजाक उड़ाएंगे, सरकार में है ना, मतलब उसका अधिकार रिव्यू पिटीशन का, अगर सरकार ने अधिकार दिया है पढ़ना भी चाहिए नहीं है, पढ़ भी नहीं सकते डॉक्टर संबित पात्रा साहब, चर्म जमानी बहुत हो गई साहब, बहुत क्या हवानी अंसार रजा, अंसार रजा अंसार रजा हो गया यार, अंसार रजा जान रही है, अंसार रजा आप मजाक उड़ाएं तो सब ताली बजाएं, मजाक संबित पात्रा उड़ाएं तो आप भी मान जाएंगे, किसी का मतलब ये कौन सा रिश्ता है भाई, आप ही मजाक उड़ा सकते हैं, ये नहीं मैं बोल लूं गंभीरता से कह रहा हूँ, ताली तो कोई भी नहीं बजवा लेता है, प्लीज प्लीज संबित पात्रा, रोहित जी अभी आपके असीम वकार भी आ गए, ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता, रोहित जी दो तीन बातें यहाँ डिबेट में स्पष्ट हो रहा है, हमारे जो दो भाई आए हुए हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आपके सामने कोट किया और बड़े गर्व के साथ कोट किया, हमको भी गर्व है, फक्र है कि अच्छी बात है, ये पढ़ भी रहे हैं और इसको दुनिया को बता भी रहे हैं, इन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट तो हमारे साथ खड़ी है, तो फिर काहे को परेशान हो रहे हैं, फिर असंतुष्ट काहे को है, अगर सुप्रीम कोर्ट आपके साथ खड़ी है, सर फिर आप पीछे बोला, मैं आपके पीछे बोलूं फिर? नहीं आप बोलेंगे, आप वकील हैं सर, आप ऐसे ही कोर्ट में करते हैं, यू बिहेव दिस वे इन द कोर्ट सर, ना दो देन प्लीज डोंट देन 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 दिस इज ऑल दैट दे से यू बी रिजेक्टेड आदमी सुनेगा क्या नहीं आप गलत बात सुन रहे हैं क्या मजाक कर रहे हैं क्या हो रहा है आप अगर मौलाना साहब नहीं ताली बजाने के लिए कुछ भी बोलते जा रहे आदमी अगर आप इतने ये कोई अगर आप तथ्यों पर इतने पक्के हैं और आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सही व्याख्या आप ही ने की है तो फिर उनकी जुबान क्यों बंद करना चाहते हैं सर बंद कोई नहीं कर रहा है लेकिन जुबान तो बोले कायदे का तो बोले खाली ताली बजवाने के लिए जुबान तो वैसे ही इसके लिए आप पैरवी कर रहे हैं इतनी देर से जुबान तो वैसे क्या यार यार आप पैरवी कर रहे हैं इतनी देर से वो भी पर्दे में छुप के कि नहीं मैं तो साफ नहीं हूँ लेकिन पैरवी भी लगातार कर रहे हैं उनकी ताली के असीम वकार आ गए मैं झूठ बोलते अंसार रजा असीम वकार आ चुके हैं उनको पता लग गया ना आपने वैसे के लिए क्या क्या बोला है तो फिर वो आपको आगे नहीं बोलने देंगे इसलिए सुन लीजिए पहले संबित पात्रा को देखिए दूसरी बात यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे हमारे जो तीनों साथी यहाँ खड़े हैं वो बहुत ज्ञानी हैं और विषय को सुप्रीम कोर्ट में क्या जाहिल समझ रखा है क्या क्या
रोहित भाई रोहित जी ऐसा कर रहे हैं लेकिन लोग अभी तक मानने को तैयार नहीं है उस बात को। प्लीज ऐसी हरकतें ना करें, ना मत कीजिए ऐसी हरकत। हम कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगता। सुन लीजिए बात को, बात खत्म करने दीजिए। संबित पात्रा बात पूरी कीजिए। यही अकेले ज्ञान रोहित जी, क्या हो रहा है? आपका ज्ञान ले लिया ना, देख लिया कितना ज्ञान है आपका, सुन लिया सबने, उनका भी तो ज्ञान सबने देख लिया। सुन लीजिए ना, मेरे सब ने ज्ञान दे दिया दीजिए। कितने बड़े ज्ञानी है सबको पता है। तो एक काम कीजिए, करिए लगाइए नारे यहां खड़े होकर, लगाइए नारे यहां खड़े होकर, फिर लगाइए यहां खड़े होकर नारे। मंदिर तो बनेगा ना, करने दीजिए इनको। अरे सर बनाइए, कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है? बनाइए ना, कौन रोक रहा है? ऐसे 10 सेकंड तो बोल सकता हूं शांति। बिल्कुल बोलिए साहब, 20 सेकंड बोलिए। रोहित जी देखिए, यहाँ पर तीनों ने अपने अपने विषय को ऐसे रखा जैसे कि ये पूरे विषय के जानकार हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि इनको कोर्ट में जाकर रिप्रेजेंट करना चाहिए था, और बतौर वकील के हमारे पास सारे एविडेंस हैं। हम जानते हैं कि वहाँ मस्जिद था, हम जानते हैं कि नीचे मंदिर नहीं था। इन्होंने तो इस्लाम के साथ धोखा किया है, इन्होंने धोखा किया इस्लाम के साथ। सारी सच्चाई जानते हुए भी इन्होंने ये जाके कोर्ट में रिप्रेजेंट क्यों नहीं हो रहे थे? क्यों राजीव धवन को यहाँ भेजा था? ऐसा लगता है संबित पात्रा, राजीव धवन को बलि का बकरा बनने भेजा, और ये तीनों महाज्ञानी व्यक्ति जो सब कुछ जानते थे क्यों नहीं गए? क्यों छुप के बैठे हुए थे? कहाँ छुपे हुए थे? बताना संबित पात्रा, कहाँ छुपे हुए थे? ये सारा ज्ञान लेके, सारा ज्ञान का पिटारा पकड़ के दोनों छुपे हुए। पात्रा अगर आपका आप भी कहीं छुपे राजीव धवन को हमने भेजा, ये हमारा दिल है, ठीक है। आप वो नहीं हो। चलिए असीम बकार आ गए, लखनऊ से देखे भी आज भी है, असीम बकार आ गए लखनऊ से कनेक्ट हुए, एक बार उनकी बात भी सुन लीजिए। बताइए इन्होंने क्या बोला है असीम बकार? उन्होंने सुन लिया होगा अंसार रजा ने क्या क्या बोला उसी के लिए, लेकिन उनको एक बार मौका तो दीजिए, वो अपनी बात कहें पहले। हाँ प्लीज बोलिए। असीम बकार साहब, मेरी आवाज आ रही है आप तक? सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी असीम बकार, स्वागत है आपका दंगल में बहुत दिन के बाद। अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान आपने सुना होगा उम्मीद है, जिसको लेके चर्चा चल रही है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या अच्छा नहीं लग रहा अकबरुद्दीन ओवैसी को कि लोगों ने शांति से राम मंदिर के फैसले को कबूल कर लिया? नहीं, किस बात के, कौन सी बात उन्होंने गलत कह दी है पहले तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आप बताइए तो मुझे, कौन सी बात? रिव्यू पिटिशन वाली बात बुरी लग गई, इंसाफ वाली बात बुरी लग गई, हक वाली बात बुरी लग गई, पहले बताइए दुनिया को बताइए। देखिए अभी संबित पात्रा की मैंने बात सुनी, उन्होंने कहा कि नीचे गैर इस्लामिक स्ट्रक्चर था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नीचे गैर इस्लामिक स्ट्रक्चर था। गैर इस्लामिक स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि बौद्ध का भी हो सकता है, जैन का भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है, उन्होंने हिंदू स्ट्रक्चर नहीं कहा है। आप थोड़ा सा अकल लगाइए सर। बड़ी मुश्किल से एक बार वो बोल रहे हैं, पूरा बोल रहे हैं, उसके बाद आप लोग टोका टाकी मत कीजिए, क्योंकि बाहर से सुना है। आप सब लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, एक बार उनको सुन लीजिए, आपको कोई बात पसंद नहीं है बाद में बोलिए, कोई आपत्ति नहीं। बोलिए असीम बकार, पूरा बोलिए आप, 40 सेकंड आपके अगले। सर हम जो रिव्यू पिटीशन में जा रहे हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वो रिव्यू पिटीशन में हम जो जा रहे हैं वो हिंदुस्तान के कानून और आईन के तहत जा रहे हैं। हम अमेरिका और पाकिस्तान और बांग्लादेश के कानून के तहत नहीं जा रहे हैं। हमारा आईन, हमारा संविधान हमको यह हक देता है कि हम रिव्यू में जाएं। हमसे पहले भी लोग रिव्यू में गए हैं, अभी सबरीमाला पे गए, SC ST पर गए, इससे सर 7 बेंच बनी, 5 बेंच बनी, 9 बेंच बनी, 11 बेंच बनी, 13 बेंच तक गए हैं लोग, तो आपको हमारे रिव्यू से क्या दिक्कत है अगर मुसलमान रिव्यू में जा रहे हैं? दूसरी बात, कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस बात के कोई सबूत नहीं है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। कोर्ट ने यह भी कहा कि निर्मोही अखाड़ा, राम जन्मभूमि न्यास समिति और विश्व हिंदू परिषद इस बात को प्रूफ नहीं कर पाए कि वहां कोई मंदिर था, कोई मालिकाना सबूत नहीं दे पाए। सर कोर्ट की बात तो समझिए आप। कोर्ट यह भी कह रहा है कि 1949 22 दिसंबर को जो मूर्ति रखी गई वो अवैध तरीके से रखी गई, इलीगल तरीके से रखी गई। कोर्ट कह रहा, सर मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो कोर्ट को फॉलो कर रहा हूं।
हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम कोर्ट को मानने वाले लोग हैं, हमारा हक है कि हम रिव्यू में जाएं। आप हमें नहीं रोक सकते। अगर आपने इससे पहले लोगों को रोका होता रिव्यू में जाने से तो आपका बिल्कुल आपकी बात सुनी जाती। आपने सबरीमाला पे तो नहीं रोका किसी को रिव्यू में जाने के, आप हमें क्यों रोक रहे हैं? आपको क्यों नफरत हो रही है मुसलमानों से? क्या हमारा इस देश पर हक नहीं है? क्या हमारा अधिकार नहीं है? क्या हम इस संविधान को फॉलो नहीं कर सकते हैं? ठीक है, आप ही कर सकते हैं खाली, नहीं ठीक है। और आप कोर्ट की बात करते हैं, आप अपने भाई की बात कर रहे हैं, आप चीजों को जो ट्विस्ट देने की कोशिश करते हैं वो रोक दीजिए। जिन्होंने 1992 में रिव्यू पिटीशन में जाने को लेकर बहस हो ही नहीं रही, रिव्यू पिटीशन में जाने पर किसी ने आपत्ति की नहीं अभी तक। जितनी चर्चा हुई यहाँ पर बहस हो रही थी अकबरुद्दीन ओवैसी ने जिस अंदाज में बातें कही उसको लेकर, लेकिन आप उससे धीरे से मुड़ गए उधर जहाँ विक्टिम कार्ड प्ले कर सके। विष्णु जैन, सवाल वहीं का वही है कि रिव्यू पिटीशन अगर कर रहे हैं तो उसमें आपत्ति क्या? लेकिन जाना भाई 13 बजे तक लोग गए, आपको बता, अगर वो भी 15 की मांग कर लेते हैं तो क्या दिक्कत? मैं बता रहा हूँ रिव्यू पिटीशन में आपत्ति। अभी आ रहा हूँ सर, अभी आ रहा हूँ। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये सारी मुस्लिम पार्टीज को ये ज्ञान कब हुआ कि ये रिव्यू फाइल कर सकते हैं? इनका संवैधानिक हक है, क्यों आके बड़े बड़े चैनलों पे, आज तक पे, जी न्यूज पे, सारे चैनलों पे आके बोला कि हम रिव्यू फाइल नहीं करेंगे, जो भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होगा वो मानोगे? तब ये ज्ञान नहीं था कि रिव्यू फाइल करना इस देश की आईन के तहत और इस देश के कानून के तहत इनको जा सकते हैं? तब क्यों बोला ये स्टेटमेंट? आज रिव्यू देखिए, जो पार्टियां होती है जजमेंट सारे लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। हमारा पहली बार मैं एक बार शॉर्ट में खत्म कर रहा हूँ। हमारा केस कभी ये था नहीं कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई, गलत कोर्ट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में माना है कि हिंदुओं का बेटर केस है ऑन पोजेशन, हमें जो रिलीफ दी है पोजेशन के आधार पर दी, इनर कोर्ट या आउटर कोर्ट या ये यहां पे शोएब जमीन ने कहा बहुसंख्यक के आधार पे जजमेंट ने फैसला दे दिया। देख के बता दे, 906 में लिखा है, 906 में लिखा है। 30 सेकंड केवल है, चलाना बंद कीजिए, अब चलाना बंद कीजिए। शोएब जमीन पढ़ दिया ना आपने, इतना तो सारा सुना आपका, पढ़ रहे थे लगातार उसमें से। देखिए इन्होंने कहा कि बहुसंख्यकवाद अर्थात हिंदुत्व के आधार पर कोर्ट ने जजमेंट दिया, सरासर गलत। कोर्ट ने कहा किसी भी आस्था, किसी भी विश्वास के आधार पर नहीं, एविडेंसेस के आधार पर हम साक्ष्य दे रहे हैं, हम ये जजमेंट दे रहे हैं। अभी वकार जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कोर्ट की बातों को आप लोग समझते क्यों नहीं हो? कुल मिला के कोर्ट की बात है कि भव्य राम मंदिर बनना चाहिए, वो हम समझ गए। ठीक, चलिए छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं। जनता भी समझती है कौन इस पर राजनीति करना चाहता है, कौन दुकान चलाना चाहता है और कौन मामले को जिंदा रखना चाहता है। दंगल के आखिरी पड़ाव पर जो सवाल हमने आपसे आज पूछा था वो ये था कि अयोध्या पर अमन से क्या वोट बैंक के ठेकेदार चिंतित हैं? 90% लोगों ने कहा हाँ, वोट बैंक के ठेकेदारों को ही इससे परेशानी हो रही है, जबकि 10% लोगों को लगता है कि ऐसा नहीं। दंगल आप देख रहे थे।